एक गांव में संजू नाम का एक आदमी रहता था। संजू घूम घूम कर चाय बेचने का काम करता था। हे भगवान, आज तो देरी हो गई उठने में, जल्दी उठकर चाय बना लेता हूँ वरना सुबह के सभी ग्राहक चले जाएंगे। संजू एक केतली भर चाय बनाया करता था और बेचने जाता था। चाय गर्म रखने के लिए वो रोज 3 बार चाय बेचने जाने वाला संजू अब एक केतली चाय भी नहीं बेच पा रहा था। अरे, आप तो आज बहुत जल्दी ही आ गए, क्या हुआ? आज ग्राहक बहुत ज्यादा थे। अरे क्या बोलूं शीला, मुझे तो खुद कुछ नहीं समझ आ रहा है। क्या हुआ, पूरी बात तो बताइए। ये लो केतली। शीला जैसे ही केतली पकड़ती है, देखती है केतली पूरी भरी हुई है। ये तो भरी हुई है, क्या हुआ, आज एक कप चाय भी नहीं बिकी? हाँ, आज तो एक कप चाय भी नहीं बिकी। यही नहीं, एक और बात तुम्हें बता दूँ, अब आगे से भी कभी हमारी चाय नहीं बिकेगी। मगर क्यों? ऐसा क्या हो गया अचानक? गांव में एक खूबसूरत चाय की दुकान खुली है, उस दुकान की चाय लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है, साथ ही वहाँ बैठने की जगह भी है, इसीलिए सभी वहीं चाय पीने जाते हैं। अब कोई मेरे पास चाय पीने नहीं आता। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। और आपके हर रोज के ग्राहक को क्या हुआ, वो भी वहीं जाने लगे क्या? हाँ, सभी वहीं जाते हैं। अब हमारा घर कैसे चलेगा? पता नहीं शीला, मुझे भी कुछ नहीं समझ आ रहा है। मैं तो पहले भी आपको ये बात कहती थी, मगर आप मेरी सुनते कहाँ थे? अब वो बात करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे कोई नया काम ढूंढना होगा ताकि हमारा घर चल सके। हाँ जी, वो भी जल्द ही। संजू नए काम की तलाशी में लग जाता है, मगर दिन भर धूप में घूम घूम कर काम मांगने के बावजूद भी संजू को कोई काम नहीं मिल पाता है। क्या हुआ, काम मिला नहीं? काम तो नहीं मिल पाया,
अब तो जल्द ही सारे रुपए भी खत्म हो जाएंगे, फिर पता नहीं हम क्या करेंगे। संजू की बेटी नैना संजू के पास आती है। पिताजी आपको पता है आज टीचर जी ने मुझे बहुत डांटा है, यही नहीं उन्होंने मुझे बेंच पर भी खड़ा कर दिया था। क्यों बेटा, तुमने कोई शैतानी की थी? नहीं पिताजी, उन्होंने कहा कई महीनों से मेरी फीस जमा नहीं हुई है इसलिए वो मुझे जल्दी स्कूल से निकाल देंगे। अरे हाँ बेटा, तेरे स्कूल की फीस भी तो नहीं भर पा रहा हूँ। हाँ पिताजी, 5 दिन का समय दिया है उन्होंने। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ। क्या कोशिश करेंगे आप, अभी काम नहीं है तो पैसे कहाँ से आएंगे, झूठे दिलासे मत दीजिए उसे। हे भगवान, कोई भी छोटा मोटा काम दिलवा दे, आज भी कोई काम नहीं मिल पाया। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे। कुछ दिन और बीत जाते हैं, दिन भर काम ढूंढ कर संजू घर आता है तो देखता है नैना बहुत जोर जोर से रो रही है। बेटा तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? पिताजी, टीचर जी ने मुझे स्कूल से निकाल दिया क्योंकि मेरी फीस जमा नहीं थी। संजू बहुत उदास हो जाता है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं अपना कर्ज नहीं निभा पा रहा हूँ, आज तो कुछ भी हो जाए जब तक काम नहीं मिलेगा मैं घर नहीं जाऊँगा। बंटी नाम का आदमी हर रोज संजू को परेशान धूप में दौड़ते भागते देखा करता था, इसलिए वो एक दिन संजू के पास आता है। मैं आपको हर रोज इस तरह परेशान देखता हूँ, क्या बात है? संजू बंटी को सारी बात बताता है। अच्छा ऐसी बात है, एक काम के बारे में तो मैं जानता हूँ मगर वहाँ का मालिक बहुत खड़ूस है, क्या तुम वहाँ काम कर पाओगे? हाँ हाँ, मैं कहीं भी काम कर लूँगा, बस मुझे काम चाहिए। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर एक कोयले का खदान है जहाँ कोयला उठाने का काम है, जाकर बात कर लो। संजू तुरंत वहाँ आता है और वहाँ के मालिक से बात करता है। जी मुझे काम चाहिए, क्या आप मुझे काम देंगे? हाँ काम तो बहुतों को चाहिए होता है, ये बताओ मेरे हिसाब से काम कर पाओगे या नहीं? जी मैं सभी काम आपके हिसाब से ही करूँगा। सोच लो। जी मैंने सोच लिया है, अब बस मुझे काम दे दीजिए। ठीक है, कल से आओ, देखता हूँ तुम्हें कैसा काम करते हो। संजू काम मिलने की बात सुन बहुत खुश हो जाता है और घर आकर ये बात पत्नी को बताता है। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, आप कल जल्दी उठ जाइएगा। हाँ बिल्कुल। संजू सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर काम पर निकल जाता है। पूरे 2 मिनट देरी से आए हो तुम, खैर आओ मैं तुम्हें काम दिखाता हूँ। यहाँ सभी बोरे में कोयला भरा है, इन्हें उठाकर ट्रक में पहुँचाना है। संजू काम शुरू कर देता है, मालिक से बहुत डांट सुनता है। उसके मालिक उसे छोटी छोटी बात पर बहुत डांटते थे मगर फिर भी संजू सब कुछ सुनकर वहाँ काम करता था। वो बहुत मन लगा कर काम करता था और दिन भर में बहुत सारी बोरियाँ ट्रक में पहुँचा दिया करता था। ये लो इस महीने के पैसे। पैसे देखकर संजू बहुत खुश हो जाता है, नैना के लिए खिलौने लेता है और शीला के लिए नई साड़ी। ये लो शीला, ये साड़ी तुम्हारे लिए और खिलौने नैना के लिए। वाह जी आपको पैसे मिल गए। हाँ ये लो इसे संभाल कर रखो। इसी तरह संजू मन लगाकर काम करने लगता है और अब उसके मालिक भी उसके काम से खुश रहने लगते हैं। ये तो सच में बहुत अच्छा काम करता है। संजू के घर कोयले पर खाना बनता था इसलिए इस बार वो अपने मालिक से कहता है। मालिक मैं एक बोरा कोयला लेना चाहता हूँ घर के लिए, इसके पैसे आप मेरी पगार से काट लीजिएगा। हाँ ठीक है ले जाओ। संजू एक बोरा कोयला अपने घर लेकर आता है, शीला कोयले को बोरे से निकालकर एक और रखने लगती है और तभी शीला को उन कोयले में कुछ पीली चीज दिखाई देती है। जी ये देखिए इसमें तो ढेर सारे पीले पत्थर है। संजू वहाँ आता है। अरे ये पत्थर नहीं है बल्कि सोना है। क्या सच में? हाँ चलो अभी सोनार के पास चलते हैं। संजू उसे लेकर सोनार के पास आता है तो उसे पता चलता है वो सच में सोना है। वाह शीला हम तो अमीर बन गए, हमें इतने सारे सोने मिल गए। हाँ जी मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। सोने की मदद से संजू बहुत अमीर बन जाता है, एक नया घर बनाता है, एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा चाय का दुकान खोलता है, साथ ही नैना को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाता है। सभी लोग वापस संजू की दुकान पर चाय पीने आने लगते हैं और संजू की अच्छी
की सारी बातें सुन ली है। अब वो जादुई झाड़ू उसके पास नहीं रहने देगी। वो बहुत लालची औरत है, उस झाड़ू से न जाने कौन कौन से काम करवाएगी। ऐसा करता हूँ, जादुई झाड़ू को बूढ़ी अम्मा को सौंप दूंगा और उस जगह पर साधारण झाड़ू रख दूंगा। चंपा ने तुरंत अपने भाई मुकुंद को बुलवाया। भाई, उसके पास तो जादुई झाड़ू है, किसी तरह उसको हथियाना है। जब रात में वो सो जाएगा तब हम उसको निकाल लेंगे। रात में जब उसके कमरे से झाड़ू लेकर आई तो उसे बार बार पटकने लगी। अरे ओ झाड़ू, जल्दी मेरे घर की सफाई कर दे। झाड़ू टस से मस न हुई, बल्कि उसने तुरंत रौद्र रूप धारण कर लिया और दोनों की पिटाई करने लगी। मारते मारते उन दोनों को राम बदन की कोठरी में ले गई। अरे हमें बचाओ, ये झाड़ू हमारी जान ले लेगी। झाड़ू ने अपनी रस्सी में दोनों को बांध लिया और फिर पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। भाई हमें बचाओ, हम मर जाएंगे, तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, अब से मैं तुम्हारे घर के मामलों में कभी दखल नहीं दूंगा। झाड़ू रुक जाओ। उसके इतना कहते ही झाड़ू रुक गई और उन दोनों की रस्सियां भी खुल गई। मुकुंदी तो सरपट अपने घर की तरफ भागा। चंपा अपने पति के पैरों में लोट लोट कर माफी मांगने लगी। राम बदन अब उसकी नस नस से वाकिफ हो गया था। उसने जादुई झाड़ू बूढ़ी अम्मा को वापस कर दिया और पहले की तरह ही अपनी नौकरी करने लगा।